क्या हाल है दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड बुलेट के साइलेंसर के बारे में। तो बुलेट और साइलेंसर का एक पुराना रिश्ता है। मेन जो लोग इसे बुलेट को पसंद करते हैं वो इसके साइलेंसर की साउंड की वजह से करते हैं। तो मार्केट में जो है बुलेट के बहुत सारे साइलेंसर अवेलेबल है, जैसे कि छोटा पंजाब, बड़ा पंजाब और बाकी रेड रोस्टर, शार्क। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डॉल्फिन साइलेंसर के बारे में। तो जो पीछे खड़ी है ये है हमारी क्लासिक 500cc रॉयल एनफील्ड और इसमें लगा हुआ है डॉल्फिन साइलेंसर। इसके शेप की वजह से ही इसका नाम पड़ा है और ये बहुत क्लासी लुक दे रहा है बाइक को, पीछे से भी और आगे से इसका कुछ ऐसा लुक है। बाकी ये जो है बाइक में आफ्टर मार्केट डलवाया था हमने और इसकी कॉस्ट जो पड़ी थी वो थी अराउंड 2500 रुपये। तो 2500 रुपये का पड़ा था ये डॉल्फिन साइलेंसर। बाकी इसकी अभी साउंड सुनाता हूँ मैं कैसी है। ये है भाई इसकी साउंड, एक राउंड लगा के सुना जा भाई इसके साइलेंसर की आवाज़ जा भाई। वहां से तो ये है भाई इसके साइलेंसर की आवाज़ दूर से। कैसी आवाज़ आ रही है कमेंट करके बताना। बस दूर से आवाज़ बुलेट की, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। बस बस साइलेंसर में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि इसमें जो बेस और थंपिंग साउंड की जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो साउंड आपको कुछ ऐसी भी नहीं लगेगी कि बहुत कानों में चुभ रही है, और साथ ही साथ इसका जो बेस आएगा वो बहुत क्लियर आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने में। इस बाइक में हमने बैंड पाइप जो है ये चेंज नहीं करा रखा, ये जो स्टॉक आया था कंपनी के थ्रू वही बैंड पाइप है। सिर्फ और सिर्फ ये साइलेंसर स्टॉक साइलेंसर चेंज करवा के डॉल्फिन साइलेंसर लगवाया हुआ है। बाकी भाई बहुत से लोग पूछेंगे कि ये साइलेंसर बाइक में लगवाना लीगल है या नहीं। कोई भी मॉडिफिकेशन आप बाइक में कराओगे साइलेंसर में बाइक के तो वो इलीगल है। अगर आप पकड़े गए कहीं पुलिस से तो भाई आपका चलान हो सकता है और साथ ही साथ बाइक भी सीज होने की संभावना है। तो वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोकल में चला रहे हो, लेकिन जो मेन दिक्कत है वो आपको आएगी दिल्ली और ऐसे सिटीज़ में। एक ज़रूरी बात और भाई, बहुत से लोग पूछेंगे कि उनकी नई बाइक है और क्या एकदम से वो साइलेंसर चेंज करा ले। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप एकदम से बाइक का साइलेंसर चेंज ना कराएं, पहले उसे 1-2000 किलोमीटर चलाएं जिससे कि इंजन जो है ठीक हो जाए अपना, और उसके 1-2000 किलोमीटर चलाने के बाद आप साइलेंसर चेंज करा सकते हो अपना स्टॉक साइलेंसर। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं इस साइलेंसर के इंजन के ऊपर तो ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा, उससे आप बेफिक्र रहे। और भाई अगर शौक पालने हैं तो साइलेंसर लगवाओ और मजे लो। तो ये था भाई बुलेट का डॉल्फिन साइलेंसर, आप लोगों को बताओ कैसा लगा। बाकी आप इसको जो है अपनी क्लासिक 350 या फिर स्टैंडर्ड में भी लगा सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब मार दो। चलो भाई मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय।